हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने आज मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है, जिसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा चंबा में ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है। इस पर पिछले साल के मुकाबले एक सप्ताह देरी से मानसून हिमाचल पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम विभाग ने मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की है, जिसका असर सोमवार को देखना शुरू हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के ऊना, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन तथा चंबा क्षेत्रों में इसका असर ज्यादा देखने को मिला। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में मानसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है। इस बार पिछले साल के मुकाबले एक सप्ताह देरी से हिमाचल में मानसून पहुंच रहा है। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मध्य पर्वतीय क्षेत्र तथा मैदानी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि तथा तेज हवाएं चलने के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना 37% बारिश दर्ज की गई, जो कि पिछले साल के मुकाबले 45% कम आंकी गई है। वहीं मनमोहन सिंह ने बताया कि आने वाले 2 माह में हिमाचल में अच्छे मानसून के चलते अच्छी बारिश होने के संकेत भी हैं, जो कि बीते दिनों में हुई बारिश को पूरा कर देंगे। हाँ, अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से आज मौसम थोड़ा सा पूरे हिमाचल में बादल छाए हुए हैं और कुछ एक जगह हल्की बारिश भी हो रही है। पिछले 24 घंटों में एक दो स्थानों से बारिश रिपोर्ट हुई है। अभी इसका इफेक्ट आज ज़्यादा रहेगा। आज हिमाचल प्रदेश के जो फेयरली वाइड स्प्रेड एरिया है, मैनी प्लेसेस एरिया है जहाँ पर बारिश हो सकती है, और मिडिल और लो हिल्स वाले इलाकों में कुछ एक जगह पे थंडर शावर हो सकता है, हेल स्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है, और तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, जो इसका इफेक्ट आज ज़्यादा रहेगा। उसके बाद कल जो WT का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। कल कुछ एक जगह पे स्कैटर्ड बेस पे बारिश होगी, और उसके बाद जो आपने 26 तारीख से जो मौसम जो है वो दोबारा से सामान्य हो जाएगा, जिसमें जो बारिश है वो एक दो स्थानों पर ही रहेगी। अभी जो आने वाले दिन होंगे इसमें जो आइसोलेटेड बारिश जो है वो चलती रहेगी एक दो स्थानों पे, जिसकी जैसे कि जो मानसून सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़े हुए हैं, तो अगर कोई सिस्टम नहीं भी होगा तो कई बारी लोकल जो फॉर्मेशन की वजह से जो है वो बारिश हो जाती है एक दो जगह। हाँ, आज के लिए वार्निंग इशू की गई है। आज हिमाचल प्रदेश के मीडियम्स और लो हिल्स वाले इलाकों में थंडर शावर, हेल स्टॉर्म और तेज हवाओं के लिए वार्निंग इशू की गई है, जो कि मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाकों में ही पॉसिबिलिटी रहेगी। अभी जो मानसून है जो अगले हफ्ते जो जून का फर्स्ट वीक है उसमें अप्रोच कर सकता है। वैसे जो नॉर्मल डेट्स रहती हैं वो 26 तारीख को जो जनरली मानसून अप्रोच करता है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन इस बार जो है जैसे कि आपने लेट ही मानसून प्रवेश किया था जो अपने कंट्री में केरल में, तो अभी उसकी जो स्पीड भी थोड़ी आगे थोड़ी धीमी रही, तो अभी जो नेक्स्ट वीक होगा जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है वो पॉसिबिलिटी रहेगी। हाँ, इस बार जो बारिश हुई है अभी तक जो बारिश हुई है 37 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि 45% जो है वो सामान्य से बारिश कम चल रही है। अगर लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर इस बार जो मानसून की बारिश थी वो थोड़ी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन इस बार थोड़ी जो है बारिश में कमी है, लेकिन आने वाले जो जुलाई और अगस्त का महीना होगा इसमें बारिश जो अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। जैसे कि फोरकास्ट की गई है इस बार जो बारिश है वो हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है, तो आने वाले जो दो महीने होंगे जुलाई और अगस्त का महीना जो कि मेन मानसून के मेन मंथ रहते हैं, इसमें अच्छी बारिश होगी। हाँ, जो हिमाचल प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश होने की उम्मीद है, लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है, लेकिन जो मिडिल वाले इलाके हैं इसमें थोड़ी बारिश की ज़्यादा उम्मीद है। जो वार्निंग इशू की गई है ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन और जो सिरमौर का इलाका है, इसके लिए वार्निंग इशू की गई है।